लाग्यो सेल पठान गे पण राज जो यल बेल रे राज जो यल बेल दिवलाबाती घट माई चस गया दिवलाबाती घट माई चस गया डालो है प्रेम वालो तेल घायल को पढ़ना है नहीं यो है सतगुरु को खेल रे है सतगुरु को खेल लिखना पढ़ना है नहीं भाई है सतगुरु को खेल रे है सतगुरु को खेल चारों वेद तेरे घट में ही कही है चारों वेद तेरे घट में कही है गुराजी आगे मेल भैल को नीची मैलोर बजार लागो सब दे बन सेल भैल को नीची मैलोर बजार लागो सब दे बन सेल भैल को नीची मैलोर संग भाई कर सत्संग गी सारे भाई मेरे काट जमांगी बेल कर सत्संग गी सारे भाई मेरे काट जमांगी बेल रे काट जमांगी बेल कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो घायल को नीची मैलोर हजार लागो शब्द मानो सेल घायल को नीची मैलोर हजार लागो शब्द मानो सेल घायल को नीची मैलोर सचिदानंद घनश्याम की जय हो। शब्द की चोट जगांगे लागी है बई लागी ने जान पाया महापुरुषा अपना अपना विचार की चोट का कया है। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस के मैंने लिखी है जाके पग ना फाटी ब्याई
सो क्या जाने पीर पर आई जिके के कदी पग्गी ब्यावी ने फाटेड़ी वे बिन के बेरो ब्यावगी पीड़ किसी को वे है जे पहली आप ब्यावगी पीड़ मरेड़ो होवे और सामने किंगे ब्याव फाटेड़ी देख ले तो कहने की जरूरत कौन पड़े किंगे पीड़ किती को रही है यही जगह के लागेड़ी है बिनी लागेड़ी को बेरो लागे भाई मीरा भी कहे घायल की गत घायल जाने जे कोई घायल हो भई है मीरा दर्द दीवानी जानो दर्द ना जाने तो ध्रुवे के जब लगी तो एक सच्चो व्रत एक सच्चो निश्चय दृढ़ लगन के सागे माता के सामने कहे माता वो दीन बंधु भगवान मिले तभी मैं खाऊंगा खाना भोजन में जगह ही दिन करूंगा जगह दिन में परमात्मा को दीदार कर लूंगा। तो कह के तुरंत ध्रुवे के राजपाट ने त्याग करके वनगी सूत लगावे रानी के दुख में एक दुख और खड़े हो गयो मन में विचार करियो आ की आफत आ गई एक ही पुत्र हो इंग सहारे से जीवन यापन कर रही 5 वर्ष की अवस्था है वो राजपाट छोड़ करके वनगी तरफ जा रही है तो तेरो जीणो किया हो सी तो किया रानी राजा तक खबर पहुंचावे किया आगे की कथा बन जावे राजा को कर दई खबर यो दुख है जबर पुत्र बन जावे पुत्र बन जावे बरस के लाल मेरे 5 वर्ष के लाल में गुण समझावे मेरे 5 वर्ष के लाल में गुण समझावे मेरे 5 वर्ष के लाल में गुण समझावे मेरे इकलौती का एक कर्म की ने कौन मिटावे थी कौन मिटावे एदी एदी मैं कौन मिटावे तू करके दियो भी मैं I'm gonna make you mine.
राजपाट जाकर के बन की सूरत लगावे कि आगे भी कला बन जाए।